ओम सच्चिदानंदोपाय विश्वतिपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ओम विश्वानि देवि सवितुर्दुरतानि पराशुभ यद् भद्रं तन्ना आशु। तो अंजन सुत वंदन करूं और महावीर बजरंग तुम करी साहे रघुवंश की प्रभु रहे हमेशा संग। तो रहे हमेशा संग राम की करी सहाय सीता की सुदी लई फेरी गड़लंक जलाई। तो गुरुदेव नाम लहाम जिनका सर्व मंगल धाम ही उन स्वर्गी गुरु ब्रजेश को सुबारंबार प्रणाम। हे प्रणाम हे प्रणाम हे प्रणाम हे बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ भक्तों, ए अजय कृष्ण कंपनी की तरफ से जो ये नया प्रोग्राम लेकर के चल रही हूँ भक्त हरदौल के बारे में, परम पूज्य गुरुदेव स्वर्ग सम्राट उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सरस कथा वाचक स्वर्गीय गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी को एवं उनके पुत्र परम पूज्य गुरु माधव कुमार शास्त्री जी को बार बार हृदय से नमन करते हुए सबसे पहले आते हैं दो शब्द भगवान के चरणों में। तो आइए दो शब्द उस परमात्मा की चरणों में कि अयो अंजन की लाली और आसी लगी मुई भारी की अयो हे हनुमान जी कोट कोट प्रणाम करती हूं आकर के आप मेरे हृदय में समा जाओ। मनोज भैया जी कहना है भगवान से कि आयो अंजन के लाली आस लगी मुई भारी की आई Yeah.
शक्ति मारी और शक्ति पाड़ी लगो तो लक्ष्मण की बेऊ गिरे गई के लिए तुम पर्वत उठाई आस लगी मुई भारी किया जाऊं और ऐसा ही नहीं। अरे रावण मारी, जब श्री राम ने रावण को मार दिया उस समय, अरे विजय पाए के धवल लंका में और वापिस अयोध्या आए और घी के दिया अयोध्या वासी ने घर घर हाई जलाए और इस भारत भूमि पर पढ़ने वाली सीता जैसी हमारी माताएं एवं बहनाएं एवं नन्हे मुन्ने हमारे प्यार करने योग्य हमारे भाई बहन एवं वेद श्री परम संतों को हमारा हाथ जोड़ करके प्रणाम स्वीकार हो।
आज मैं अजय केशट कंपनी की तरफ से हरदौल के बारे में लेकर के चल रही हूँ। इधर एक ओरछा गांव था जहाँ के वीर सिंह राजा थे, बड़े सुंदर राजा थे, बताया है, जरा गौर करें। थे भूपरे पति बिरताई नकी प्यारी वीर सिंह बड़े ही सुंदर राजा थे और इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, ऐसा ही नहीं है। अपनी प्रजा को पुत्र के भांति पालते थे, इनकी प्रजा में कोई कलेश नहीं था, बल्कि कहना तो यहाँ तक है कि इनके राज्य में शेर बकरी घाट पर पानी पीते थे, लेकिन शेर बकरी पर हमला नहीं करता था। थोड़े दिनों के बाद मेरे भाइयों, वीर सिंह की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है, ऐसा ही नहीं। अरे थोड़े दिनन के बाद अरे लाल ने जन्म लयो रे भाई, तो इधर ही जब उस बेटे का नाम जुझार रखा है, जुझार जैसे थोड़ा बड़ा हुआ है, ऐसा ही नहीं भाइयों। अरे थोड़े दिनन की पाती में एक पेटा भाई सुकुमारी, बाद में एक कन्या ने जन्म लिया है। और इस थोड़े दिन की बाद में एक पैदा भाई सुकुमारी, रूप देख के आंगन में आई भूप मगन दिलवारी,
करियो तो हम तुम मंगल गाई आवे कछु ले लेवे गे दानी ओरी हम जोली चलियो तो मंगल हम तुम गाए आवे आज उसी आंगन में सुंदर सी लली ने जब जन्म लिया है उस बेटी का नाम कुंजा रखा है। आज उस बेटी का नाम जब कुंजावती रखा है, धीरे धीरे जब कुंजावती थोड़ी बड़ी हुई है, ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, अरे धीरे धीरे आज सियानी जब भई है सुकुमारी, जाको सुंदर है हाँ रूप सुनो अब गाथा सरदारी, जाको सुंदर है अब रूप सुनो अब गाथा सरदारी, ऐसा ही नहीं लगा।
घड़ी बज रही है, लेकिन श्रोताओं खुशी के दिन आज जाने लगे हैं, लेकिन राज्य को दुख घेरने लगा है। थोड़े दिन के बाद जब हरदल थोड़े बड़े हुए हैं, ऐसा ही नहीं, अरे हो नहार बलवान पे सनाए हो डी सेरे जाती, शादी की है उसके बाद में आज मैया खत्म हो जाती है। जब कुंजावती के ससुराल में खबर पहुंची है तो कुंजावती रोती हुई आई है, हरदौल रो रहा है, ऐसा ही नहीं, कहकर बिल खाने लगी है। हरदौल कहने लगा, मैया मेरी बारी सुमरिया, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई मैया। जुझार की शादी की थी, जो चंपा नाम की स्त्री घर में आई थी, आज अपने देवर को गोद में ले लेती है। भाभी बोली है, बेटा देवर को भाभी समझावे, लला हो नहार बलवान पे सनाए होनी ते जावे, और हो नहार बलवान पे सनाए होनी सेरे जावे। आज हरदौल की भाभी ने हरदौल को गोद में ले लिया है और कहने लगी, देवर रो ना, अरे कोई बात नहीं है, हम तुम्हें मैया के जैसा प्यार दूंगी। इधर उसके बाद में मैया का अंतिम संस्कार किया है और इधर भाभी देवर को बड़े प्यार से फाड़ने लगी है, ऐसा ही नहीं, अरे भाई अंगना के बीच देवर को भाभी पाली रही, और
भाभी अपने देवर को जब पढ़ने लगी है, वेद प्यार बढ़ता गया, आज भाभी मैया का प्यार दे रही है हरदौल को, ये महसूस नहीं होता है कि मेरी माँ मर गई है। लेकिन श्रोताओं, दुनिया वाले हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे तुम्हें नहीं पता है, प्यार कोई गलत शब्द नहीं है, प्यार तो बहुत अच्छा शब्द है। एक माँ भी अपने बेटे से प्यार करती है, ऐसा ही नहीं बताया है कि प्यार इंसान से इंसाफ दिला दे, बताया है कि प्यार इंसान से इंसाफ दिला देता है। पता नहीं श्रोताओं, परिवार में लगता था यानी रहता था, एक दिन वो चला है जोझार के पास पहुंचा। जोझार ने उसे आते हुए देखा तो कहने लगा, चाचा कैसे आए हो? उसी समय बोला है, तेरी नारी की चाली गलत बेटा, और मैं यही संदेश लाया तुम्हें। पता है बेटा, दोबारा से बोलो, ओरे जुजहारी ओरे पगली, इसलिए यहां मैं आया हूं, और तेरी औरत के गलत चाली, और मैं यही संदेश लाया हूं। कहने लगा है जुझार का चाचा, अरे तुम्हारी औरत
बहुत गलत चाल है तुम्हारा, जो छोटा भाई है उसके साथ में उसके गलत व्यवहार है। वहां से आज जुझार चला है जैसे आज इधर। रानी ने अपने पति को आते हुए देखा है तो ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों। पलगा दो थुन बाई रे केंदीर भर के लाई। आज चंपादेव रोने लगी, कहने लगी स्वामी क्या बात हुई है। जोजार कहने लगा ओरी अभागी तुझे शर्म नहीं आता? अरे मेरे 1200 भैया जा तू अपने प्यार में फंसाए हैं। और क्या बोला है जोजार कि ओरी अभागी ने नारी अरे बचन तू मेरो सुनी ली दे। तो आज चंपा दे रोने लगी और कहने लगी स्वामी अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी कसम खा रही हूँ। जोजार कहने लगा और ये अभागी
हमारी कसम काय को खाए रही, तू बाई हरदोल कसम खा जाए अपनो पति मानती है। आज चंपा दे रोने लगी है तो जुझार कहने लगा, सुन अगर ऐसी बात है तो एक बात सुन। कि सुन बात मेरी ओ कुलबंती ने, अरे सुन बात मेरी ओ कुलबंती ने, ओरे भोजन में जहीर मिलाए दीजे, बात सुन। करके तू मार देगी। आज मैया कहने लगी, स्वामी ये तुमने क्या कहा है। जुझार कहने लगा, तुझे मेरी कसम, इतनी बात कह करके जुझार दरबार में चला जाता है। आज इधर ही मैया जहर मिला रही है, भोजन बना रही है, रोती जा रही है, ऐसा ही नहीं। कि बाबा ज हर दौलत की रोवी, अरे बाबा जी यारी दौल की रोमी, और सासू के जाई हार दौल, मैया सोच रही है ये भोजन हम अपने बेटा को कैसे खिलाएंगे, जिस देवर को पुत्र की तरह पाला है उस बच्चे को अपने हाथों से कैसे मारूंगी। बाबा जहरा तो लगी रो
आज धर्म भैया ने रोते रोते भोजन बनाई है और भोजन बनाने के बाद में दासी को इशारा किया है और कहा है बहन अरे दरबार में चली जाओ पुनः मेरे स्वामी को बुला करके ले आओ ऐसा ही नहीं द्वारे से सजना को तू बंदिया बुलाए अबलारी जाओ चली जाओ बहन जाओ ना उसी समय और भजी बिटरिया रंग महल से बिटिया जाती मधुरिया चाली पुनरिया लटकती जावे दुतिया दबे पेरस हो जाई महाराज से कहा है कि तुम्हें महलों में रानी ने याद किया है पुनाई राजा ने दरबार को बंद किया है और रानी के महलों की तरफ आई है जिस समय रानी ने अपने पति को आते हुए